न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। 4 नवंबर को गोरखपुर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, करेंगे विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत। खोराबर थाने पर आयोजित थाना समाधान दिवस पर मंडलायुक्त और आईजी ने सुनी लोगों की समस्या, दिया निस्तारण के निर्देश। पुलिस क्लब की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को जिला प्रशासन ने हटाया, जिलाधिकारी ने कहा सरकारी जमीनों को किया जाएगा अतिक्रमण मुक्त। गुलहरिया थाने के पीछे बनेगा पुलिस विभाग का डंपिंग यार्ड। एसपी रेलवे की अध्यक्षता में संपन्न हुई जीआरपी जोन की बैठक, एसपी रेलवे ने कहा अब जीआरपी से भी जुड़ चुकी है डायल हैंडल की सुविधा, और बेहतर होगी जन सुविधा। गुलेरिया थाने पर आयोजित थाना समाधान दिवस पर डीएम और एसएसपी ने की शिरकत, फरियादियों की सुनी फरियाद, किया निस्तारण। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा मनाए जा रहे 17वें जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत कुछ ले देकर नाटक का हुआ मंचन। अब पुलिस लाइन की व्यवस्था और होगी बेहतर, डीएम और एसएसपी ने किया निरीक्षण, व्यवस्था को सुधारने के दिए निर्देश। जिला पंचायत अध्यक्ष की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला पंचायत सदस्यों की बैठक, सदस्य ने बताई समस्याएं। आसरा आवास में रहने वाले बसफड़वा समाज से मिलने पहुंचे जिलाधिकारी, सुनी समस्या, दिया समाधान का आश्वासन। इंदिरा बाल विहार में लगे टेराकोटा के शिल्पियों द्वारा दिवाली मेले में नागरिकों को भा रहे हैं मिट्टी के बने दीपक और सजावटी सामान। लक्ष्मी पूजा और मूर्ति विसर्जन के लिए डीएम ने गठित की टीमें, कहा विसर्जन मार्गों का निरीक्षण कर स्थिति पर नजर रखें अधिकारी। अपर नगर आयुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई उद्योग बंधुओं की बैठक, व्यापारियों ने बताई अपनी समस्याएं। और पुरानी पेंशन योजना बहाली को लेकर लखनऊ से निकाली गई चेतना रथ यात्रा का विकास भवन पर हुआ स्वागत, 20 दिसंबर को लखनऊ में होगा विशाल प्रदर्शन।